जब डीजे आदि लगता है घरों में, शराब आदि आती है, तो अंदर एक डर रहता है ना कि कभी झगड़ा ना हो जाए। सब कुछ ठीक से टिपट जाना चाहिए, और भले ही आप अंदर बैठ करके कार्य करते रहो, लेकिन नजरे और दिमाग ध्यान सारा कहां पर रहता है, जो बाहर हुड़दंगा चलता है। क्यों? बोले कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और अब कितनी शांति के साथ बैठे हैं, पता है कि कुछ भी होने वाला नहीं, सत्संग की गंगा बह रही है, और गंगा में गोता लगाने से शरीर की शुद्धि होती है जो हरिद्वार में बहती है, और सत्संग की गंगा में गोता लगाने से बोलो मन की शुद्धि होती है जो यहाँ आपके करनाल में बह रही है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आइए, सत्संग क्यों होते हैं, क्यों करने चाहिए? बहुत सारे लोग हमसे भी पूछ लेते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, ये इतना खर्च जो आपने कर दिया, कुर्सियां भी बिछाई है, लाइट माइक, और दूर दूर से हिसार से स्वामी जी को भी बुलाया, सहारनपुर से हमें भी बुलाया, क्यों? ये कुर्सियां तो खाली पड़ी हैं, निराशा होनी चाहिए, कोई आता तो नहीं है, तो फिर क्यों करें? छोड़ो, ऐसा सोचते हैं ना लोग, कह देते हैं छोड़ो। आप प्रत्येक वर्ष करते हैं, लोग आते तो नहीं हैं, पर मैं निवेदन कर दूं, जब ये प्रश्न उठा क्यों करे सत्संग, तो एक बहुत सुंदर घटना मुझे याद आ रही है। कहते हैं ऐसे ही मंच पर हमारे स्वामी जी श्री ब्रह्मानंद जी बोल रहे थे, और सत्संग चल रहा था, लोग बैठे थे श्रद्धालु, सबसे पीछे आकर के एक दिन एक चोर बैठ गया। क्यों? क्योंकि समय था चोरी करने में, इधर उधर खड़ा हो तो शक के दायरे में आ जाए, तो विचार किया यही बैठ जाता हूं, यहां मैं धार्मिक समझा जाऊंगा, कोई मेरी तरफ देखने वाला भी नहीं, और बैठ गया। प्रवचन चल रहा था कर्म फल व्यवस्था पर, और जब श्रद्धा के साथ वेद के सिद्धांतों को रख करके स्वामी जी ने प्रवचन दिया कि चाहे कितने हरिद्वार में जाकर के स्नान कर लेना, कितना दान कर देना, कितना भोजन लोगों को भंडारे से करा देना, पर जो कर्म किया है बोलो वो कभी उसका फल परिवर्तित होने वाला नहीं। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा मिलेगा, और बोलो बुरा कर्म किया बोल दो। जब ये बात कही तो अंत में एक बात और कह दी, देखो ऐसा नहीं कि व्यक्ति अपने जीवन को नहीं बदल सकता, जैसे अच्छे व्यक्ति बुरे बन सकते हैं, बुरे व्यक्ति भी बोलो अच्छे बन सकते हैं। उपाय है, रास्ता है, और रास्ता क्या है बहनों? आज से क्या प्रारंभ हो गए बोल दो एक बार? व्रत हुए या नहीं, रखे हैं या नहीं? करने चाहिए, मैं तो कभी मना नहीं करती, व्रत होना चाहिए, व्रती हमको होना चाहिए, पर हम व्रती नहीं होते, हम तो चरती होते हैं, इसलिए आज हमें भुगतना पड़ रहा। खैर, मैं निवेदन कर रही थी, स्वामी जी ने भी कह दिया, बोले व्रत धारण करो। कैसा व्रत? संकल्प ले लो कोई कि आज से जीवन में रोज एक ना एक अच्छा काम करेंगे, कोई ना कोई अच्छाई को धारण कर लो। जब ये बात कही तो चोर पीछे से खड़ा हो गया, जो अच्छे संस्कार दबे पड़े थे वो उभर गए, ये सत्संग का प्रभाव। स्वामी जी ने पूछा क्या चाहिए? बोले संकल्प लेना चाहता हूं। अब बराबर में हमारे भाई साहब जी बैठे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी चोर है और लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा, कह दो आज इसको क्या संकल्प। स्वामी जी बोले भाई साहब चोरी करना छोड़ दो। अब चोर बोला स्वामी जी ये कठिन है, नहीं हो पाएगा, कुछ और कह दो। स्वामी जी बोले देख लो, कुछ और कह दो, कभी फिर कह दो कठिन है। ये चोर कहने लगा चोरी का काम मत छुड़वाओ, चाहे कुछ भी संकल्प दिलवा दो, मैं वही संकल्प निभाऊंगा।
अब स्वामी जी भी जानते थे, बोले ठीक है संकल्प ले लो कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। अब करनाल वालों ये बात लोगों को बहुत सरल सी लगती है, बोले सच ही तो बोलना है और हम कौन सा झूठ बोलते हैं, क्यों माता जी? लेकिन कभी नोट करना डायरी में कि हम दिन में कितना झूठ बोलते हैं कितना सच बोलते हैं। लोग बैठे रहते हैं घर में, कोई पूछे भाई साहब आपको घरोंडा आना था कहाँ हो, बोले जी बस यही खड़ा हूँ पेट्रोल पंप पे, और था कहाँ, घर पर बैठा था, बोल दिया झूठ। कितना झूठ बोलते हैं। पर चोर को लगा बहुत सरल काम है, बोले स्वामी जी ठीक है मैंने संकल्प लिया आज से झूठ नहीं बोलूंगा। स्वामी जी ने कहा पर कोशिश करना कि चोरी भी ना करो। इसने कहा ठीक है, अब चला गया। लगभग 8-10 दिन इसके ऊपर प्रभाव रहा, इसने चोरी नहीं करी, पर कुछ और काम नहीं करता था। अब पैसों की जरूरत पड़ी, रात को पड़ोस में जाकर के धावा बोल दिया, चोरी कर ली और लाकर के अपनी अलमारी में सामान को रख दिया। पता चला सुबह चोरी हो गई, लोगों ने कहा ठहरो, पुलिस के पास नहीं जाते। भाई साहब ने सभा में खड़े होकर के कहा था झूठ नहीं बोलूंगा, चलो पहले देख तो लेते हैं। पहुंच गए, भाई साहब चोरी हो गई हमारे घर। चोर ने कहा मुझे पता है। अच्छा किसने की? चोर बोला हमारे सिवा कोई और कर सकता है क्या, हमने की, सच बोल दिया। फिर बोले अच्छा तो फिर बताओ सामान कहाँ रखा है? चोर ने कहा वो रखा है अलमारी में सामने, उठा ले जाओ और क्या करोगे। व्यक्ति ने उठा लिया, देखो चोर ने सत्य बोला पर प्रसन्न था, दुख नहीं था। फिर 10-15 दिन बाद अब धन की आवश्यकता पड़ी, फिर पड़ोस में चोरी कर ली, फिर लोग दौड़ करके आए, बोले सत्य बोलता है, क्यों बेकार पुलिस थानों के चक्कर में पड़े, चलो डायरेक्ट पूछते हैं। भाई साहब चोरी हो गई, बोले पता है मुझे। किसने की? बोले हम कर सकते हैं, हमारे सिवा किसी और में हिम्मत है क्या? बोले सामान कहाँ है? ये बोला सामान भी अलमारी में रखा है। ओहो, सारी रात जाग जाग करके चोरी करो और सुबह आपको सामान पकड़ा दो, ये भी कोई जिंदगी है? ये अच्छी मुसीबत डाल करके गए हैं स्वामी जी, चालाक थे मैं समझ नहीं पाया। जब ये बात कही तो लोग ठहर गए, अब चोर क्या कहेगा। लोगों ने पूछा तो भाई साहब फिर क्या करोगे, झूठ बोलना शुरू करोगे? इसने कहा नहीं मैंने स्वामी जी से संकल्प किया था, बस चोरी मत छुड़वाओ और कुछ भी काम कह दो मैं निभाऊंगा। अब स्वामी जी ने सत्य बोलने की घंटी गले में बांध दी, इसलिए संकल्प तो नहीं तोड़ूंगा, बस आज से संकल्प एक और ले लेता हूं कि मैं आज के बाद बोलो कभी चोरी नहीं करूंगा। देखो एक अच्छाई को धारण किया तो ईमानदारी से बताना दूसरी अपने आप आ गई या नहीं आ गई। फिर लोगों ने कहा, ये चोर बोला चोरी तो नहीं करूंगा पर बच्चों का पालन कैसे करूंगा। अब दुनिया के लोगों, समाज के लोगों का भी कर्तव्य बनता है। इन्होंने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने पास काम देंगे, तुम्हारी जितनी भी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर हम तुम्हें कार्य देंगे, तुम्हें धन भी देंगे, तुम्हारा सहयोग भी करेंगे। अच्छा जब समाज ऐसे चलेगा तो बताओ अच्छाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और यदि चोरी करना तो उसने छोड़ दिया और लोगों ने उसको काम दिया नहीं, फिर चोरी करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए निवेदन कर दूं, सत्संग में लोगों को लेकर के आया करो, पता नहीं कब किसके अच्छे संस्कार जागृत हो जाए और बोलो कब किसी का जीवन बदल जाए।
बहुत जीवन बदले हैं, इतिहास भरा पड़ा। यहाँ अमी चंद को महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्संग में यही तो कहा था, अमी चंद तुम हो तो हीरा पर कीचड़ में पड़े हो। है दुनिया के लोगों, बरेली में मुंशी राम यदि दयानंद जी के सत्संग में न जाता तो कभी श्रद्धानंद न बनता और कभी भी भारत को गुरुकुल कांगड़ी मिलने वाला नहीं था। जालंधर के अंदर बेटियों का गुरुकुल खुलने वाला नहीं था। यह है सत्संग का प्रभाव। इसीलिए कहते हैं और निवेदन कर दूं, ऐसा नहीं कि सत्संग में जाकर के सब बदल जाते हैं, बदलते वही है जो बदलना चाहते हैं, जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उनमें परिवर्तन आता है। संकल्प धारण करते हैं, आइए जीवन में एक संकल्प भी धारण करें। मैं नहीं कहती कि अपनी बुराई को छोड़ दो, मत छोड़ो, जो है धारण करते रहो, पर याद रखो साथ में एक संकल्प ले कि रोज एक अच्छा कार्य अवश्य करेंगे। जब अच्छे कार्यों की संख्या बढ़ जाएगी, बुरे कार्यों की संख्या घटती हुई चली जाएगी, और जब अच्छे कार्य संस्कार अंदर हो जाएंगे तो बोलो बुरों के लिए जगह बचेगी नहीं।